में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी वत्स। एक नजर दिनभर की खबरों पर। नालंदा में माघी पूर्णिमा के मौके पर विषाक्त प्रसाद खाने से 400 से अधिक लोग बीमार। अररिया में हाजत में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, थाने में प्रदर्शन और अस्पताल में तोड़फोड़। अरुण कुमार सिंह बने बिहार के नए मुख्य सचिव, आमिर सुबहानी विकास आयुक्त। बिहार में मॉब लिंचिंग, वैशाली में चोरी के आरोप में 4 युवकों की जमकर पिटाई, एक की मौत। बिहार पंचायत चुनाव में आयोग ने तय किया नामांकन और मतदान का समय। बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी शहीद एक्सप्रेस के अंदर पंखे से लटका मिला 20 वर्षीय युवक का शव। मार्च से ही झुलझने लगी गर्मी, भुवनेश्वर में पारा 40 के पार, बिहार में भी 33 पर पहुंचा। बिहार में मुंह चिढ़ाती शराबबंदी, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से फिर 2 युवकों की मौत, 6 गंभीर। कोरोना काल में लर्निंग लॉस की भरपाई को होली तक तैयार होगा पहली से 10वीं स्टूडेंट्स का कैचअप कोर्स। बिहार में तीसरे चरण में 1600 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी। बिहार के 18 आईएएस बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बने। मनचाहा फैसला नहीं आने पर जजों के खिलाफ मुहिम, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं, रविशंकर ने कहा। तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से शुरू, 2 से लगेगा टीका, प्राइवेट अस्पतालों में प्रति डोज देने होंगे 250 रुपए। बिहार में बेखौफ बदमाशों की करतूत, विधायक के भतीजे को घर में घुसकर गोलियों से भूना, हवाई फायरिंग कर हुए फरार। हादसों का दिन रहा शनिवार, बिहार में शनिवार को अलग अलग दुर्घटनाओं में कुल 18 लोगों की जान चली गई। कोसी सीमांचल व पूर्वी बिहार में 1 महिला समेत 8 लोगों की जानें चली गई। बांका में 2 युवक, भागलपुर में 2, मुंगेर में 1, खगड़िया में 1, पूर्णिया में 1 व सुपौल में 1 महिला काल में समा गया। श्रमजीवी एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, पहिए से उठने लगा धुआं, यात्रियों के बीच मची भगदड़। राम मंदिर निर्माण के लिए चिराग पासवान ने दिया 1,11,000 रुपए का चेक, ट्वीट कर दी जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बहस 6 मार्च को, सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली हैं आरोपी। बांका में लॉरी ने बाइक सवार को कुचला, बाप बेटे की मौत, गाड़ी छोड़ फरार हुआ ड्राइवर। गांधी सेतु पर ट्रक ने पटना के 2 युवकों को रौंदा, 2 की मौत, पीछे सड़क पर पड़ा था शव। धन्यवाद। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।